नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। मैं तापस अग्रवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल काव्यमय में। काव्यमय एक प्लेटफॉर्म है सभी युवा कवियों के लिए, नए कवियों के लिए, नए लिखने वालों के लिए, खासकर उनके लिए जिनको अक्सर मंच नहीं मिल पाता, अपनी कविताओं को पढ़ने का और अपनी कविताओं को सुनाने का मौका नहीं मिल पाता। तो वो चाहें तो सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम उनकी कविताओं को वीडियो के माध्यम से यहाँ अपने YouTube चैनल पर स्थान देंगे और उनको प्रेरित कर, इससे उनको प्रेरणा मिलेगी कि वो और बेहतर लिखें और ज़्यादा अच्छा लिखें और उनको और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। और साथ ही आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे देश के जाने माने कवि हैं, चुनिंदा कवि हैं, उनकी कुछ चुनिंदा रचनाओं को हम यहाँ आपके सामने पढ़ेंगे और इन फ्यूचर भी कुछ वीडियोज़ इस तरह के लाते रहेंगे और उससे निश्चित रूप से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, उनको समझने का और करीब से जानने का मौका मिलेगा। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हुल्लड़ मुरादाबादी जी की एक रचना। ये मेरे हाथ में उनकी एक पुस्तक है जिसका शीर्षक है ये अंदर की बात है। और इसकी इसी पुस्तक में एक उनकी रचना है इनकम टैक्स का नोटिस, एक कवि के नाम। ये एक कटाक्ष है, एक हास्य व्यंग है। हुल्लड़ मुरादाबादी जी अपने हास्य के लिए और अपने व्यंग के लिए ही सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। हिंदी साहित्य में उनका योगदान सभी अच्छे से जानते हैं। तो उनकी इस रचना को मैं आज आपके सामने पढ़ता हूँ, इनकम टैक्स का नोटिस, एक कवि के नाम। मेरे पास इनकम टैक्स का नोटिस आया। आपकी इतनी हिम्मत कि कवि होते हुए आपने नया मकान बनवाया। आप तो जानते ही हैं, पहले कवि होते थे बेचारे सिर्फ लिखते थे, बड़े बड़े शायर हुए हैं, बड़े बड़े कवि हुए हैं, लेकिन बहुत ही तंग हाली में, बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ वो अपना जीवन यापन करते थे। जीविका के कोई अलग साधन नहीं होते थे। तो उसी पे एक कटाक्ष है कि मेरे पास इनकम टैक्स का एक नोटिस आया। आपकी इतनी हिम्मत कि कवि होते हुए आपने नया मकान बनवाया। हमें बहुत अफसोस है कि आपने महाकवि निराला की कंगाली परंपरा को क्यों नहीं निभाया। अनेकों साहित्यकार भूख और बीमारी से दम तोड़ गए और अपने पीछे एक लवारिस झोपड़ी छोड़ गए जिसका अदा नहीं हुआ है अब तक किराया। मिस्टर हुल्लड़ मुरादाबादी, भवन निर्माण कार्य हेतु आपके पास इतना पैसा कहां से आया। हमें रिपोर्ट मिली है कि अभी तक एक साल पहले तक आप एक कमरे के मकान में रहते थे, दंड पेलते थे, उसी कमरे में आपकी पत्नी खाना बनाती थी और बच्चे गुल्ली डंडा खेलते थे। जब आपके यार दोस्त चाय पीने आते थे तो आप पड़ोस के घरों से चीनी और दूध मांग के लाते थे। खाना खाने तक के तुम्हारे लाले थे फर्नीचर के नाम पर एक लंगड़ी मेज और क्रॉकरी के नाम पर चार टूटे प्याले थे। और आज आपने नई कोठी बना ली, जरूर कहीं ना कहीं डकैती डाली है, या तो आप नकली शराब बेचकर लोगों को अंधा कर रहे हैं, नहीं तो आप बम बनाने का धंधा कर रहे हैं। आपने किसी लॉटरी का इनाम भी नहीं पाया, फिर आपके पास भवन निर्माण कार्य हेतु इतना पैसा कहां से आया। मैंने लिखा ठिठुरती सर्दियों की रातों में, तपती धूप के भीषण झंझावातों में, या धुआंधार बरसातों में जब कोई परिंदा भी अपने घोंसले से बाहर नहीं निकलता। हर ऐसे मौसम में भी जनमानस का दर्द गाते हैं। होली दिवाली हो या दशहरा, कोई भी त्योहार घर पर नहीं मना पाते हैं। और रक्षाबंधन के दिन तीन तीन बहनें होते हुए भी सूनी कलाएं लिए बाहर के लिए किसी कवि सम्मेलन में चले जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, कलकत्ता से लेकर भोपाल तक, मुंबई से लेकर करनाल तक और अमेरिका से लेकर नेपाल तक मैंने लोगों को हंसाया है। ये मकान ईंट गारे से कहीं नहीं, मैंने अपने खून पसीने और आंसुओं से बनाया है। वह बोला, हम भी तो अपना फर्ज निभा रहे हैं, गर्मियों की तपती लू में गंजे सिर मारे मारे फिर रहे हैं। 5,000 जल्दी दे दो अगर इनकम टैक्स के पिन छुड़ाना है। मुझे अभी और
50 नए मकानों की तफरीश के लिए जाना है, तफ्तीश के लिए जाना है। मैंने कहा, क्यों नहीं जाइएगा, आखिर आपको भी तो अपना मकान बनवाना है। क्या बात है। तो कैसी लगी आपको उनकी ये कविता? अपना सुझाव, अपने फीडबैक जरूर दें और मुझे बताएं कि और आप किन कवियों को सुनना चाहते हैं, किन रचनाओं को सुनना चाहते हैं, मैं आपके लिए जरूर लेके आऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। जाने से पहले एक गुजारिश, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक लोगों के साथ हम इसे शेयर करें। थैंक यू।